रोडवेज एससी एम्प्लाई संघर्ष समिति के सदस्यों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार किया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि बैठक में हमने एससी वर्ग के कर्मचारियों का कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर पर हुए प्रमोशन को रोकने का मामला उठाया था। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जात पात की बात बैठक में ना करें। एससी संघर्ष समिति का आरोप है कि उनको बैठक में अपनी बात नहीं उठाने दी गई, जिसके बाद में हमने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का आपको बता दें कि बहिष्कार किया गया है। रोडवेज एससी एम्प्लाई संघर्ष समिति के सदस्यों ने यह बहिष्कार कर दिया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि बैठक में हमने एससी वर्ग के कर्मचारियों का कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर हुए प्रमोशन को रोकने का मामला उठाया था, तो उसमें कहा गया कि अधिकारी की तरफ से ये बात सामने आई, जात पात की बात बैठक में ना करें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद दिखते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ताधारी सफेद पोशों और प्रशासन की शह पर वह किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ताजा तरीन मामला पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का है। ये तस्वीरें ये गवाह कर रही हैं कि किस तरह बेरहमी से भूमाफिया के लोग उनके ड्राइवर को लात घूसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं और अशोक अरोड़ा से भी धक्का मुक्की की गई है। वही पुलिस है कि मूक दर्शक बनी बैठी थी और शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं, उनके ड्राइवर के साथ किस तरीके से मारपीट की जा रही है। सरेआम यहां पर सेलरों पे कमर्शियल सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल की था जिन्होंने लाइसेंस नहीं मिला उसको कोई रोका नहीं। आज एक गुंडागर्दी की हद हो गई कि किस प्रकार शहर की एक कॉलोनी जिंदल सिटी, जिसका रास्ता सरकार ने बनाया, जिंदल ने बनाया हुआ है, ये कहते हैं कि हमने लाइसेंस ले लिया, अपने यहाँ सड़क बनाए, रास्ते बनाए, कॉलोनी काटे, कमर्शियल काटे, किसी को कोई इतराज नहीं। और अगर इनको रास्ता देना है तो सरकार दे, सरकार आए, DTP आए, तहसीलदार आए, उनको निशानदेही दे, रास्ता दे। परंतु आज जिस प्रकार हम पिक्चरों में देखा करते थे कि किस प्रकार गुंडे कारों में भर के आते हैं, लाठियां डंडे लेके आते हैं, साथ में डंपर लेके आते हैं और स्वयं पेड़ काट के तार तोड़कर उसका रास्ता बना देते हैं, तो मेरे को जिंदल सिटी की प्रधान है, उस बेटी ने मुझे फोन किया कि हमारे यहाँ जबरदस्ती हो रही है। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि ये तो सड़क बना रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा भी तुम सरकार से इसकी परमिशन ले लो, सरकार की निशानदेही ले लो, तो आप ये देखो मेरे जैसे लोगों के साथ भी ये इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, उसके गवाह मुझे बताने की लोड़ नहीं, आप लोग स्वयं है, आपकी वीडियो है, मेरा ड्राइवर रोकने लगा उसके ऊपर हत्यापाई करी। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि की शह हो सकती है, परंतु उस जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आखिर यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दे के चुना हुआ है, आज वो उनकी नुमाइंदगी आज पब्लिक के प्रति जवाबदेही है। परंतु जिस प्रकार आज गुंडागर्दी हुई है, मेरे अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में और 60 साल की उम्र में मैंने ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी। तो कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस प्रशासन के सामने ही, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कि ड्राइवर के साथ ये मारपीट की जा रही है, साथ ही पूर्व मंत्री के साथ भी आपको बता दें कि मारपीट की गई है। ऐसे में ये साफ दर्शाता है कि भूमाफियाओं को अब प्रशासन का भी डर नहीं रहा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से भी धक्का मुक्की की गई है, साथ ही उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन भूमाफियाओं में पुलिस का भी डर नहीं है।
से यह मामला सामने आया है जहां पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से धक्का मुक्की की गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि बताया जा रहा है उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके ड्राइवर के साथ भी बेरहमी से मारपीट करते हुए भूमाफिया नजर आए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वहां पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस भी कुछ करती हुई नजर नहीं आई और भूमाफियाओं में भी पुलिस का खौफ नहीं नजर आ रहा। जहां पर भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने ही भूमाफिया पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उनके ड्राइवर के साथ भी आपको बता दें कि मारपीट की गई है। ये मामला इतना बढ़ गया कि आपको बता दें कि लात घूसों के साथ ये मारपीट करते हुए नजर आए हैं और इस पूरे मामले पर आगे अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।